धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने वक्त निकाल के हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। आज हमारा जो जोन 360 का उद्घाटन है बांद्रा में, माननीय मंत्री महोदय जी आने वाले, डिप्टी सीएम जी जैसे आप जानते हैं, उसी के साथ में बाकी के भी कुछ बॉलीवुड स्टार्स भी आने वाले हैं। आप फिर कुछ पूछना चाहें तो प्लीज़ पूछिए। बेसिकली इस जिम की खासियत तो हर चीज़ में है, इंटीरियर से लेके फिटनेस ट्रेनिंग से लेके इक्विपमेंट से लेके वॉट एवर सर्विसेज हम जो दे रहे हैं, हर कुछ में एक बदलाव, एक नयापन, एक क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं वैसे। फॉर एग्जांपल हमारे जो इक्विपमेंट है ये अमेरिका में ही गए साल में लॉन्च हुए गए हैं, तो और इंडिया में फर्स्ट जिम है ये जहाँ पे ये इक्विपमेंट लगे हुए हैं। सेकेंडली फॉर एग्जांपल जो फिटनेस ट्रेनिंग भी जो है, अभी आज ही हमारी एक वी हैव गॉट वन, अपने एक वैष्णा जेकब जी है जो अभी कुछ ही देर में यहाँ पे आएंगी, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो यूरोप की मिलिट्री को ट्रेन करती थी, उन्होंने आज हमारे ट्रेनर्स को यहाँ पे पर्सनली ट्रेन किया, आज भी करेंगी, कल भी करेंगी, तो एक ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम भी रखा गया है। एट द सेम टाइम खाली व्यू ही 360 डिग्री नहीं है, बट हमने टोटल हेल्थ 360 डिग्री कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं किसी का, उस प्रकार से हमने यहाँ पे सारी सुविधाएं प्रोवाइड की है। वैसे तो मतलब मैं अपने आप को पाइनियर नहीं समझता हूँ, बट हाँ एक चीज हूँ कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं कोई भी फील्ड में मुझे डाल दो मैं उसमें आई कैन बी द बेस्ट, उतना मेरे को अपने अपने पे कॉन्फिडेंस एंड भरोसा है। रही बात कि आपने क्या पूछा था कि आगे के प्लान्स क्या है, अभी ये ब्रांड हम खाली नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी लेके जाना चाहते हैं। अभी तक आई थिंक सो जितने भी आपने देखे होंगे अमेरिकन ब्रांड्स इंडिया में आते होंगे, हमारा फर्स्ट ब्रांड होगा जो इंटरनेशनली जाएगा। और आपको ये गुड न्यूज़ में शायद और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा अगले महीने में और वहाँ पर डिस्क्लोज करूंगा ये चीज। जी नहीं, पहले तो ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ, मेरा प्राइमरी आई एम इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड हिंदी, और जैसे हम लोग बिल्डिंग्स लोगों के लिए घर बनाते थे, तो एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि अगर आपको अच्छा घर लेना है, सभी मतलब लोग लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट अपनी डाल देते हैं घर में, बट एट द सेम टाइम वो घर एंजॉय करने के लिए आपके पास अगर अच्छी हेल्थ नहीं है तो देन देर इज़ नथिंग लेफ्ट। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो देन एवरीथिंग एल्स इज़ ज़ीरो। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसे लगा कि फिटनेस इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ग्रोइंग, बहुत अच्छा ग्रोथ है, लोगों को बहुत अवेयरनेस आ रही है, यंग ओल्ड सबको आजकल लग रहा है कि नहीं कोविड के बाद हेल्थ इज अवेयरनेस और हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये सब चीज़ों को थोड़े ध्यान में रखते हुए ऐसा लगा कि अभी जिम बिजनेस में एंटर करना है, एंड प्रबोध दादा इज़ बीन अ ग्रेट सपोर्ट, अ ग्रेट मेंटोर, एंड ही इज़ अ पायनियर एंड एन एंटरप्रेन्योर इन दिस इंडस्ट्री, एंड दैट इज़ व्हाई वी हैव गॉन अहेड विद जोन 360 बांद्रा। एक इंटरप्ट करना चाहूँगा, जोन 360 की आपने जैसे खासियत पूछी थी, एक सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं रही गया था कि हमने अब पहले 10 साल पहले मतलब सलमान भाई ने और सुनील शेट्टी ने मुझे गाइड किया था एक कि खुद का ब्रांड चालू करने के लिए। पहले मेरे पास एक अमेरिकन फ्रेंचाइजी हुआ करती थी, तो इन दोनों के कहने के ऊपर फिर मैंने नाइट्रो का आविष्कार इन दोनों के वजह से हुआ, तो क्रेडिट गोज टू सलमान भाई हु इनॉग्रेटेड ऑल्सो नाइट्रो एंड कंसेप्चुलाइज, एंड मेरे को डिजाइनिंग में भी हेल्प तब अन्ना ने की थी, सुनील शेट्टी जी ने। तो उसके बाद अभी लॉकडाउन में मैंने सोचा कि एक ऐसा भी ब्रांड बनाया जाए जो नाइट्रो से, मतलब नाइट्रो इज़ वेरी हाई एंड लग्जरी एंड महंगा भी पड़ता है, मतलब 50,000-60,000 मेंबरशिप है, तो जो सामान्य आदमी भी जिस चीज़ का फ़ायदा उठा सके ऐसी भी कोई सुविधा है, फिटनेस देनी चाहिए ऐसा मुझे लगा। कोविड के टाइम पे आपने देखा कि उसका मेडिसिन कोई नहीं थी, अपनी हेल्थ इम्यूनिटी ही उसका तोड़ता,
तो हेल्थ को अपना अगर इम्यूनिटी को अगर बढ़ाना है तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो और मासेस कैसे क्या वो कर सकते हैं, तो मैंने इसलिए जोन 660 बनाया जिसमें इन्वेस्टमेंट कम है एंड ये वेरी अफोर्डेबल है। 20,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़ साल की फ़ीस है, मतलब आप महीने में करो तो 2,000 रुपये भी नहीं निकलता है। जो आदमी मतलब कम से कम आई थिंक सो दारू पान बीड़ी में महीने में आई थिंक सो ज़्यादा खर्चा करता होगा, हम 1,500-2,000 रुपये महीने के हिसाब से ये जिम की फ़ीस है। तो ये इस जिम की सबसे बड़ी खासियत है कि इवन मासेस कैन ऑल्सो एन्जॉय दिस जिम। सो दिस इज़ अगेन मिस्टर प्रबोध डावखरे's ड्रीम। नाइट्रो इनकॉर्पोरेशन के तहत हम बहुत सारे पैरेलल्स लॉन्च कर रहे हैं। पहले उन्होंने नाइट्रो फिटनेस लॉन्च किया, उसके बाद द जोन 360, और अब अभी उनका थर्ड ब्रेन चाइल्ड इज़ द नाइट्रो फिटनेस अकेडमी। ये जो फील्ड है जहाँ पे ट्रेनर्स वगैरह पढ़ते हैं, ये इंडिया में एक ऑर्गेनाइज फील्ड नहीं है। और आज हेल्थ की इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ गई है कि हमने देखा है कि कोई सर्टिफाइड नहीं हो तो वो उसको हम जिम्मेदारी नहीं दे सकते कि वो अपने लाइफ के साथ। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उनके कंडीशंस क्या है, ये समझने की ताकत किसी ट्रेनर में होनी चाहिए जब वो उनका वर्कआउट लेता है, ताकि वो उस हिसाब से उनका वर्कआउट कस्टमाइज कर सके। इस वजह से नाइट्रो फिटनेस अकेडमी की स्थापना हमने की है एंड वी आर लॉन्चिंग इट टुडे। इस अकेडमी के तहत वी वांट टू गिव सर्टिफाइड एजुकेशन टू आर ट्रेनर्स हु कैन देन गो अहेड, और सब लोगों का वो फिटनेस तरीके से एक सही तरीके से ले सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है इसके पीछे। सो दैट इज़ व्हाई वी आर लॉन्चिंग नाइट्रो फिटनेस अकेडमी एंड वी आर गोना हैव सर्टिफाइड कोर्सेज जो पर्सनल ट्रेनिंग के होते हैं, ट्रेनिंग के होते हैं और न्यूट्रिशन के होते हैं अंडर दिस अकेडमी। दैट्स इट, थैंक यू। इसमें मैं सॉरी एक ऐड करना चाहूँगा कि ये एकेडमी लॉन्च करने के पीछे भी दो कारण थे। मतलब मेरे स्कूल में पढ़ा था कि अन्न दान से सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान का, नॉलेज का, और नॉलेज इज़ द अल्टीमेट पावर। ठीक है, तो हमारे देश में ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनको फिटनेस के प्रति पैशन है लेकिन सर्टिफिकेशन करने के लिए पैसे नहीं है। तो हमारे एकेडमी में हम ऐसे भी करते हैं कि ऐसे लोगों को हम फ्री में ट्रेन कर लेते हैं और उनको हम जॉब भी देते हैं। तो खाली तो क्या है कि अगर किसी और फिटनेस एकेडमी अगर किसी जाएगा तो उसके लिए पैसे भरने पड़ेंगे, और आज की फ़ीस भी अराउंड 70,000-80,000 होती है, जो बेचारा वो गरीब लड़का पे नहीं करता। तो हमारी जो एकेडमी है वो रेप्स के साथ भी अभी ज्वाइन हो रही है। रेप्स इज एन यूके में, यूके की एक रिकग्नाइज फर्म है रेप्स करके, तो उनको इंटरनेशनली भी जॉब मिल सकता है। और प्लस एट द सेम टाइम आई ऑब्जर्व देम, मतलब मैं उनको अपने इधर जॉब भी देता हूँ बट सर्टिफिकेशन के साथ, मतलब ज्ञान भी देता हूँ और जॉब भी देता हूँ। ये एकेडमी का मूल कारण ये था। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ब्लेस्ड एंड प्राउड एंड ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग स्पेस एंड टू इम्पार्ट द ट्रेनिंग। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट इन द फिटनेस वर्ल्ड। आई हैव बीन स्पेशलाइजिंग इन द कोर कंडीशनिंग, पोस्चर अलाइनमेंट एंड द फाइनर एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग। I have experience in working with the US military in the past. I'm coming from Bosnia. And I am also a master coach, international master coach for free motion fitness, as well as for power plate. And I'm using all that experience to impart the cutting edge and the best training for the trainers who are already best trainers at Zone 360. Now that I've seen this place, I can confidently say that this is one of the best gyms with best and top of the line equipment. And not only that the gym is having top of the line equipment, but also latest technologies. Free Motion has the app called iFit, which enables you very interactive experience and takes you around the world while doing a training. Hoist equipment is the latest in line, using a very slender and slim technology, which still gives you the maximum work. And the training that we are doing is to provide and give the trainers and the clients the best experience, as well as the quickest results. आई थिंक देखो नाइट्रो इज अ सुपर हिट ब्रांड, और उसका अगर जिम खुल रहा है 360 और वो भी ऐसी लोकेशन पे, इट्स फैंटास्टिक। अब हम तो जू वाले हैं तो हम चाहते हैं जू में ऐसा खुल जाए, लेकिन बैंड्रा वालों के लिए लॉटरी है।
बात की जाए, आप कितनी देर वर्कआउट करते हैं? मैं कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ वर्कआउट एवरी डे मुझे चाहिए। अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे ऐसे लगता है यार आज का दिन बहुत घटिया गया है। तो इसीलिए हेल्थ इज़ वेल्थ, और अगर आप अपने बॉडी को 30-40-50 मिनट नहीं दे सकते तो आई थिंक लाना चाहिए हमारे ऊपर, वी मस्ट डू समथिंग और अदर। और आजकल बिकॉज ऑफ ऑल दिस व्हाट्स हैपेंड आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो आजा भाई आजा, ऐसे लोग चाहिए जो फिटनेस को प्रमोट करते हैं, जो फिटनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज फिटनेस ही लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ है जो आप ओन करेंगे। He's, all I can say is he's a lifetime member. We hope to see him regularly here. Bas very beautiful, very beautiful. You made a lovely gym. Thank you. Bandra walo, tayar ho jao. One of the best gyms in Mumbai aaya hai. I think it's wonderful. This building is also superb. Yeah. Wonderful. Well done. I think in one sentence, health is wealth. एंड कोविड के बाद हर एक व्यक्ति को पता है कि जब तक आप हेल्दी नहीं कुछ नहीं हो सकता है। तो ऑल द बेस्ट टू जोन 360 एंड नाइट्रो फिटनेस। आई रियली बिलीव दैट इन द डेज टू कम द ओनली थिंग वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट इज ऑन आर हेल्थ, बिकॉज इफ यू हैव हेल्थ यू विल हैव हैप्पीनेस, इफ यू हैव हैप्पीनेस देन द वेल्थ यू हैव मेड मेक्स हैप्पी, मेक्स यू हैप्पी। वेल आई थिंक I don't have to say anything about Shaina. You all know she has been a fitness enthusiast, a brand ambassador, and I've always looked forward to all the social initiatives that she has undertaken over the years. So we've been known each other for many years, and I am very happy that she has come here, and I hope that as you know, we can take forward this legacy of health is wealth, and we can contribute in a small way with our gyms towards making this you know, something for all. And if I can just add, bhuliyega mat ki 21 June ko hai antarrashtriya yog divas, aur jitne bhi gyms hain pure Mumbai mein, Sonia aap sabko, Niranjan ji ko aur Prabodh ji ko, aap sabko yahi vinanti hai ki jitne bhi gyms hain, gym enthusiasts hain, bhuliyega mat कि 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे यू मस्ट कम आउट, यू मस्ट सपोर्ट द प्राइम मिनिस्टर्स इंडेवर विच इज़ अ पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत। और जब आप एक तरफ वेट लिफ्टिंग और ये सब करते हैं, दूसरे तरफ आपको ये भी देखना है कि कैसे हम योग को ना भूलें।